ओके चलो स्टार्ट करते हैं। शीट नंबर 149 हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टार्ट किया था। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर हमने एवरेज प्रेशर का एक टॉपिक किया था कि जिसके अंदर एक गैस का मॉलिक्यूल है और रैंडम मोशन में ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं कंटेनर के अंदर। मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं और रैंडम मोशन में वो वॉल्स को क्या करते हैं, जो है हिट करते हैं, और वॉल्स के ऊपर क्या लगाते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं या प्रेशर लगाते हैं। आपको एवरेज प्रेशर बताना है वॉल्स के ऊपर गैस ने क्या लगाया। तो हम क्या मानते हैं कि एक कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं जिसकी जो कि एक्स वाई और जेड एक्सिस में जिसका वेलोसिटी का ये कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद हमने क्या करना है कि सिर्फ एक्स एक्सिस को कंसिडर किया जाता है कि एक्स एक्सिस में मोमेंटम इतना मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का आफ्टर कोलिजन मोमेंटम इतना, चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल की वैल्यू आ गई, डिस्टेंस टेबल क्या होगा वी एक्स इंटू डेल्टा टी, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें से ये माना जाता है कि आधे मॉलिक्यूल राइट हैं और आधे लेफ्ट जा रहे हैं तो हाफ कर लेते हैं। एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम हमें पता होता है तो टोटल चेंज इन मोमेंटम इन मॉलिक्यूल्स का इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल चेंज इन मोमेंटम आ जाता है। इसको टाइम से डिवाइड करके फोर्स आ जाती है, ये फोर्स जो है वो वॉल लगाती है, तो मॉलिक्यूल्स क्या लगाते हैं इसका पॉजिटिव, ये फोर्स आ गई, फोर्स को एरिया से डिवाइड करके प्रेशर आता है, तो प्रेशर एक्स के लॉन्ग, प्रेशर वाई के लॉन्ग, एसी जेड के लॉन्ग, और फिर एवरेज प्रेशर को हम कैलकुलेट करते हैं और फाइनल आंसर आता है 1/3 रो वी स्क्वायर। तो 1/3 रो वी स्क्वायर इसकी जो फाइनल वैल्यू ऑफ प्रेशर, ये एवरेज प्रेशर है। वैसे तो मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज डिफर करती हैं पर हम सारा काम एवरेज में लेते हैं तो ये एवरेज प्रेशर है जो मॉलिक्यूल जो है वो कंटेनर पे लगाते हैं। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट है, स्पेशल केस है। आपने याद नहीं करना, आपने सिर्फ एंड रिजल्ट को समझना है। वो क्या कि जो एवरेज प्रेशर है जो एक मॉलिक्यूल्स हैं कंटेनर के ऊपर लगाते हैं, दैट इज 1/3 रो वी स्क्वायर। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करें तो ये टर्म आएगी, और इसको डेंसिटी को क्या पुट कर सकते थे, लास्ट टाइम किया था एन का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, टोटल मास पॉइंट टोटल वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी की जगह एन इनटू एम। तो प्रेशर की वैल्यू आ गई आपके पास। तो इसमें एवरेज प्रेशर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एवरेज प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 एन इनटू, क्योंकि इसमें ये मॉलिक्यूल का जो ये जो स्मॉल एम है ये किसका मास है, एक मॉलिक्यूल का मास है, तो दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल की गैस की एनर्जी है। तो ये आपके पास प्रेशर की वैल्यू आती है। मतलब याद नहीं करना, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करके अपने आप रिजल्ट अपने आप बन जाएगा। इसके बाद है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो एवरेज प्रेशर होता है वो क्या होता है, 1/3 रो वी स्क्वायर होता है। अब क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैं काम करूंगा 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, लेकिन रो का मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हाफ रो वी स्क्वायर का मतलब होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये एक और एक्सप्रेशन आता है एवरेज प्रेशर का, दैट इज 2/3 टाइम्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। याद नहीं करना, मैं फिर कह रहा हूँ, रिजल्ट जो याद करने वाले हैं अभी बाद में बता दूंगा, अभी बस ये एक एक तरीका है कि आप कैसे इसको कर सकते हो सॉल्व। बिल्कुल वैसी, अब क्योंकि हम अभी तक पर मॉलिक्यूल से काम चला रहे हैं, कभी कभी ऐसा आ जाता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, तो हम एक काम करेंगे अब अपना एक्सप्रेशन पर मोल में करेंगे, जैसे PV is equal to RT 1 मोल के लिए, या फिर P is equal to 1/3 रो वी स्क्वायर, ये एवरेज प्रेशर है। तो हम एक काम करेंगे, रो को लिखेंगे टोटल गैस का मास बाय टोटल वॉल्यूम। अब क्योंकि टोटल गैस का मास हमने 1 मोल लिया है, तो अंडरस्टूड है ये मास मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा इसका। तो P और V एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, तो 1/3 चल रहा है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर देंगे, और PV की जगह RT, तो हाफ एम वी स्क्वायर एक तरफ, 2 और 3 एक तरफ, तो ये टर्म क्या आ गई, 3 और 2 इस तरफ आ गया, 3/2 आर टी इज हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी 1 मोल ऑफ अ गैस, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल एम नहीं है, कैपिटल एम है। अगर यहाँ स्मॉल एम होता जैसे ऊपर हमने किया था, तो वो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी आती, यहाँ पर टोटल एम है, 1 मोल का मास है ये, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस है, तो 3/2 आर टी। नोट करने वाली चीज क्या है ये भी बता देता हूं, इसके अंदर जैसे जो नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन किया उसके बाद बताता हूं कि जिसमें अब मुझे
जो ऊपर मैंने एक्सप्रेशन निकाला वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ अ गैस है। कभी कभी क्वेश्चन आता है पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस निकालो, तो काम करते हैं ऊपर का रिजल्ट है 3/2 RT इज हाफ एम वी स्क्वायर, यहां से काम करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 3/2 RT, कैपिटल एम टोटल मास का मास ऑफ गैस है 1 मोल का, और एम का मतलब एक मॉलिक्यूल का मास है। देखो छोटा एम जहां जहां है वहां 1 मॉलिक्यूल है, इंटू एवोगैड्रोस नंबर, एक मॉलिक्यूल का मास इंटू एवोगैड्रोस नंबर उसका मॉलिक्यूलर मास है, तो यहां से हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एन नीचे आ गया 3/2 R/N(T). अब ये याद रखना है आपने कि गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रोस नंबर को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। ये रिजल्ट है कि कभी गैस नंबर है और अपॉन एवोगैड्रोस नंबर इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहां पर क्या बच गया, छोटा एम, छोटा एम का मतलब एक मॉलिक्यूल का मास है, तो ये एनर्जी किसकी है, एक मॉलिक्यूल की है। तो इंपॉर्टेंट है इसको बॉक्स में डाल लो 3/2 RT। अगर मैं R यूज करता हूं गैस कांस्टेंट तो एक मोल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, अगर मैं 3/2 KT यूज करता हूं K, तो यानी कि पर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो पर मॉलिक्यूल जब जब आएगा तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आएगा, पर मोल जब आएगा तो गैस कांस्टेंट आएगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है यहां तक, यही पहचान है और कोई तरीका नहीं है, देखने में सब एक जैसा लगेगा नहीं तो। तो इसको बॉक्स में डालना है आपने, 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT, 1 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 3/2 KT। ठीक, वही है नीचे वाली 3/2 KT सेम है। हम मतलब कंबाइन कर सकते हैं रिजल्ट को, पर ऐसा है ना, हम कितने की ये रिजल्ट्स याद कर लेंगे यार। तो जो जो मेन मेन चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ना न्यूमेरिकल में जो जो काम आना है वो बता रहा हूँ बस ये, लेकिन मेरे को बताना बनता है क्योंकि अब रिजल्ट्स हैं फाइनल, कब कौन सा काम आ जाए मुझे मालूम नहीं है, और कैसे बनाना चाहिए वो भी आपको पता होना कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके काफी कुछ बन सकता है, वैसे यूज नहीं होता ज्यादा। तो वैसे जो यूज होता है मैंने आपको बॉक्स में करवा दिया, अब थोड़ी देर में पता लग ही जाएगा आपको, आप अपने केमिस्ट्री के रिजल्ट्स भी काफी यूज कर सकते हो इसमें। अब जैसे थ्री जो पर मोल की जो एनर्जी होती है 3/2 RT होती है, और हाफ बड़ा एम वी स्क्वायर, बड़ा एम वी स्क्वायर क्यों, क्योंकि स्मॉल एम का मतलब तो मॉलिक्यूल है, और यहां पर बात किसकी हो रही है, पर मोल की, तो पर मोल के लिए हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 RT सही है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। काफी लोग पूछ रहे थे कि वो वी बार क्यों लगाते थे एवरेज प्रेशर में, उसका मतलब होता था RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसमें ये बताया गया है कि अंडर रूट लेंगे तो ये आपने केमिस्ट्री में सुना होगा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो हम बहुत सारी n नंबर ऑफ वेलोसिटीज पे काम नहीं कर सकते, बहुत सारी वेलोसिटीज होती हैं, अलग अलग वेलोसिटीज होती है मॉलिक्यूल की, हम एक वेलोसिटी के साथ काम करना चाहते हैं जिसको एवरेज माना जाता है, और ये रूट मीन स्क्वायर, मीन का मतलब एवरेज है, ये क्या होती है एग्जैक्टली अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ये रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है जिसमें m, कैपिटल m का मतलब मॉलिक्यूलर मास है, इसलिए यहां पर r यूज हुआ। अब RMS वेलोसिटी जो है अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साफ पता लग रहा है। तो जो एवरेज प्रेशर होता है 1/3 ρV² होता है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी स्क्वायर एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, तो यहां से अंडर रूट लेंगे तो ये भी फॉर्मूला किसका आएगा, RMS वेलोसिटी का। तो RMS वेलोसिटी को 3P/ρ का अंडर रूट भी बोल सकते हैं, और RMS वेलोसिटी को अंडर रूट ऑफ 3 RT/m भी बोल सकते हैं। RMS velocity directly proportional to under root of temperature है, inversely proportional to molecular mass है। ये step समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये दो formulas हम use करेंगे, under root of 3P/ρ ये भी use करेंगे। अब और भी velocities होती हैं gas के molecule के पास, जैसे mean velocity। जो mean velocity होती है वो basically V1, V2, V3 up to Vn divided by number of molecules, तो उसको mean velocity बोलते हैं। तो जो mean velocity है उसका formula होता है under root of 8 KT/π छोटा m। जब मैंने छोटा m यूज कर दिया, एक मॉलिक्यूल का मास है, और अगर एक मॉलिक्यूल छोटा m है तो ऊपर k यूज होगा, KT, RT नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोल्ट्समैन कांस्टेंट का फॉर्मूला यूज करूँ जो कि गैस कांस्टेंट बाय एवोगैड्रोस नंबर है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पर m जो बोल्ट्समैन कांस्टेंट है इसकी जगह क्या पुट कर लिया, R/N। तो k की जगह R/N पुट किया, एक मॉलिक्यूल का मास m है,
ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एन, तो ये क्या बन जाएगा, टोटल मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के मास को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मॉलिक्यूलर मास है। तो आरटी की जगह पीवी यूज कर सकते हैं वन मोल के लिए। तो आप एक चीज नोट करें कि एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें छोटा एम एक मॉलिक्यूल का मास है तो फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और अगर बड़ा एम यूज करते हैं मॉलिक्यूलर मास है तो फिर यहां पर के की जगह आर है। तो मॉलिक्यूलर मास में आर यूज करना है, एक मॉलिक्यूल के लिए के यूज करना है। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? आरएमएस वेलोसिटी की भी सेम स्टोरी है। जो आरएमएस वेलोसिटी है उसका वैसे तो अभी हमने फॉर्मूला डराइव किया था अंडर रूट ऑफ 3 RT बाय बड़ा एम। जब मैंने यहां पर आर यूज कर दिया तो छोटा एम कभी नहीं आएगा, यहां पर मॉलिक्यूलर मास आएगा बड़ा एम। लेकिन अभी अभी बताया कि के क्या होता है, आर बाय एन, तो आर क्या होता है, के इनटू एन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर आ जाएगा। तो यहां से एन को इसके नीचे ले आते हैं तो टोटल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, यानी कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करेंगे, तो एक मॉलिक्यूल का मास आ गया, टोटल मास को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड किया तो एक मॉलिक्यूल का मास आ गया, जिसको छोटा एम लिख सकते हैं। तो जब छोटा एम आएगा ऑटोमेटिकली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किया जाएगा, तो अगर बड़ा एम आएगा तो आर आएगा, छोटा एम आएगा तो के आएगा। तो ये आरएमएस का फॉर्मूला है। तो आरएमएस का जो फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 3 PV बाय एम भी कर सकते हैं, आरटी की जगह, सॉरी पीवी, वन मोल के लिए आरटी की जगह पीवी, बड़ा एम का बड़ा एम। तो आरएमएस वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास, ठीक है यहां तक, एट अ गिवन टेम्परेचर। तो ये रिजल्ट भी क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज क्या होती हैं, शायद आपने केमिस्ट्री में सुना भी होगा। ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास जो वेलोसिटीज हैं उनको प्रोबेबल बोलते हैं। जैसे बहुत सारी व्हीकल्स चलती हैं सड़क पे और ज्यादातर की स्पीड 50 और 60 के बीच में है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड गाड़ियों की 50 और 60 रहती है। कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पीड 10 15 20 भी रहती है, एक्सेप्शंस हैं, और कुछ की स्पीड 120 150 भी एक्सेप्शंस हैं। तो ज्यादातर वेलोसिटीज, ज्यादातर व्हीकल के पास जो वेलोसिटी है मोस्ट प्रोबेबल 50-60। ऐसी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की अलग अलग वेलोसिटी है लेकिन ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास एक जैसी वेलोसिटी, इसको मोस्ट प्रोबेबल बोलते हैं। बाकी आरएमएस और एवरेज भी होती है, क्या स्टोरी है इनकी बीच में मैं बताऊंगा। पर मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2 KT बाय एम, क्योंकि यहां पर के यूज कर दिया तो छोटा एम एक मॉलिक्यूल का मास है। अब के की जगह बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जगह आर बाय एन, एक मॉलिक्यूल का मास एम है इनटू एवोगाड्रोस नंबर, तो टोटल मास एम है, तो ये आंसर आ जाएगा। और एक रिजल्ट भी याद करना है कि जो आरएमएस वेलोसिटी होती है वो बड़ी होती है एवरेज वेलोसिटी से, और जो एवरेज वेलोसिटी बड़ी होती है किससे, मोस्ट प्रोबेबल से। तो ये इनका रिलेशन है जो आपको पता होना चाहिए। क्या ये पॉइंट यहाँ करेक्शन है, सॉरी नहीं, ठीक है, सॉरी, मुझे लगा मैंने एम क्योंकि ये इसको रिप्लेस किया, ठीक है ये, ठीक है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? मतलब बस ये देख रहा था कि के की जगह जहाँ के यूज होता है वहाँ छोटा एम यूज करना है, जहाँ आर यूज होता है बड़ा एम यूज करना है, सही है, ओके। इसके बाद शीट नंबर 150 देखो, 150 में जो आप केमिस्ट्री में रिजल्ट्स पढ़ते हैं ना, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, जितने भी लॉस हैं, आप डायरेक्टली शुरू करते हो पी इंटू वी इज अ कॉन्स्टेंट, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, लेकिन एक्चुअल में जो प्रूफ है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आए हुए हैं। तो ये हर बुक में गिवन होते हैं, हालांकि इसके आने की स्कूल में प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है, और कॉम्पिटिशन नॉलेज के लिए कि हाँ मुझे पता लग गया कि ये रूल कहाँ से आए, आता इसके ऊपर न्यूमेरिकली है, बट रूल बुक में लिखा नहीं कहीं पर कि आएगा नहीं। तो मैं बुक्स में जैसा मेंशन है मैं बता देता हूँ कि कैसे, बट इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है। तो 10-2-4 मिनट का काम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बॉयज लॉ इज पीवी इज अ कॉन्स्टेंट, ये कहाँ से आया? नॉर्मली स्टूडेंट ऐसे सीखता है अगर वॉल्यूम बढ़ जाए तो प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो तो चलो एक लॉजिक है ही है, अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो प्रेशर क्या होता है, 1/3 ρV स्क्वायर। तो डेंसिटी क्या होती है, टोटल गैस का मास बाय टोटल वॉल्यूम, एक मोल की बात हो रही है। तो यहाँ से पी और वी कांस्टेंट है। अब मुझे पता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी गैस की कांस्टेंट रहती है, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तब चेंज होती है जब टेम्परेचर चेंज होता है, सारी गेम तो टेम्परेचर की है।
अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, और अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही तो पी इन टू पी बी का प्रोडक्ट इज अ कॉन्स्टेंट बॉयज लॉ। ठीक है यहाँ तक तो सिंपल, तो मतलब इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं ऐसे, क्लियर है। ठीक, जैसे नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ, जो ये कहता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू T। अब प्रूफ में जो प्रेशर होता है 1/3 रो V स्क्वायर, और जो डेंसिटी होती है टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, तो यहाँ पर V एक तरफ P एक तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्योंकि फॉर अ गिवन मास एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट, तो ये तो तीनों चीजें कॉन्स्टेंट है, जो V स्क्वायर है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर, क्योंकि जो आर एम एस स्पीड है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर है, आर एम एस स्पीड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो आपको ये पता है कि वॉल्यूम वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, लेकिन वी स्क्वायर तो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल, आंसर तो वी प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है यहाँ तक, नेक्स्ट है अब गेल लेजेंड्स लॉ आप करते होंगे ये केमिस्ट्री के अंदर, विच स्टेट दैट पी प्रोपोर्शनल टू टी। ये क्या कहता है कि काइनेटिक थ्योरी में 1/3 रो वी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया एवरेज प्रेशर का, ये लॉ तब लगता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अगर वी कांस्टेंट है हाफ एम वी स्क्वायर बचता है, लेकिन वी स्क्वायर आरएमएस तो टेम्परेचर के डिपेंडेंट है, तो यानी कि प्रेशर टेम्परेचर के डिपेंडेंट, आंसर तो सारी गेम टेम्परेचर से आरएमएस, आरएमएस से प्रेशर। तो मतलब इस तरीके से इन लॉस को आप प्रूव कर सकते हैं, इवन जो परफेक्ट गैस इक्वेशन है वो भी यहाँ से बनती है, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर, प्रेशर और वॉल्यूम एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ। अब गेम वहीं पर है कि जो 1/3 एम है वो तो कांस्टेंट है, वी स्क्वायर टी के प्रोपोर्शनल है, तो पी वी टी के प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर गैस कांस्टेंट है तो आर, तो 1 मोल के लिए पी वी इक्वल टू आर टी गैस की इक्वेशन है। ठीक है यहाँ तक, नेक्स्ट है एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ ये बताता है, इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, अगर हम गैसेस के वॉल्यूम इक्वल लें अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर टेम्परेचर को भी सेम लें, कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल भी सेम आएंगे। तो कह रहे हैं ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया होगा आपने केमिस्ट्री में, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने वी वॉल्यूम ले लिया, टेम्परेचर प्रेशर सेम ले लिया, तो काइनेटिक थ्योरी से ये एवरेज प्रेशर आ गया। मास को क्या लिखते हैं, टोटल जो मास है गैस का, मॉलिक्यूलर मास, वो एक मॉलिक्यूल का मास इनटू एवोगैड्रोस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमने किया था डेंसिटी की जगह हमने कुछ ऐसा रिजल्ट किया था, या ऐसा कर सकते हैं चलो n का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ज्यादा आसान हो जाएगा, m टोटल मास है, एक मॉलिक्यूल का मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसको n का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम मत बोलना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो m इज 1 मॉलिक्यूल का मास इनटू n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो कन्वर्ट कर दिया इसे। अब क्योंकि वो कह रहा है कि प्रेशर इक्वल करना है, तो एक काम करते हैं प्रेशर फर्स्ट गैस का और सेकेंड गैस का इक्वल कर लेते हैं, हैविंग इक्वल वॉल्यूम तो वी की वैल्यू को क्या करेंगे एग्जैक्टली सेम करेंगे, वी सेम है, तो यहाँ से mn v1 स्क्वायर m2 n2 v2 स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1। लेकिन वो कह रहा है गिवन टेम्परेचर पे, एक टेम्परेचर अगर चेंज नहीं करते तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी मॉलिक्यूल की सेम, तो इन्हें डिवाइड करते हैं 1 और 2 को, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली सेम आएंगे, फिर n1 n2 आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से आप इसे प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब मुझे लगता नहीं है कि इसको, बस एक बार ठीक है पता लग गया एक नॉलेज से, कोई पूछे कि क्यों कर ली हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो एटलीस्ट हमें पता लगता है कि क्यों की हमने, क्योंकि सारे लॉज का जो बेसिक रूट है वो यहीं से स्टार्ट होता है, हालांकि हमारा जो काम है वो एप्लीकेशन बेस्ड ही रहता है, हम तो न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा काम करते हैं। ठीक, इनको अप्लाई करना आना चाहिए। शीट नंबर 150 थी, शीट नंबर 151, शीट नंबर 151 में ये बताया गया है कि बॉयज लॉ क्या है, चार्ल्स, ये सब लॉज हमने कर लिए, आर के यूनिट्स, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आर इज इक्वल टू पी वी बाई एन इन टू टी, आपने केमिस्ट्री में किया होगा, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम वर्क डन होता है, तो इसकी जगह वर्क डन, वर्क डन के यूनिट्स क्या होते हैं जूल, केल्विन, नंबर ऑफ मोल, जूल की जगह कैलोरीज भी यूज कर सकते हैं, ये आर के यूनिट्स हैं, आर के अगर यूनिट्स एसआई में यूज करने हैं जूल में तो 8.31 वैल्यू है, और अगर कैलोरीज में यूज करने हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1.98 या 2 वैल्यू है, ये भी शायद आपको केमिस्ट्री में सिखाया होगा, यहाँ तक क्लियर है। तो आर की वैल्यू स्टैंडर्ड हमने याद कर ली,
इसके बेस पे ये क्वेश्चन नंबर वन है। इस क्वेश्चन में ये बताया गया है, एज एन एयर बबल राइजेज फ्रॉम द बॉटम ऑफ लेक टू द सरफेस, तो अगर एयर का बबल है वो बॉटम ऑफ द लेक से ऊपर की तरफ आता है, इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड, उसका वॉल्यूम डबल हो जाता है। अब उसको सोचो ना, अगर मान लो बबल नीचे से ऊपर आ रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम, वॉल्यूम क्या हो रहा है, ज्यादा, तो वॉल्यूम डबल हो जाता है। टेम्परेचर वो कह रहे हैं सेम है, तो अगर वॉल्यूम ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था बल्क मॉडुलस में कि अगर बबल ऊपर आता है और वॉल्यूम की वैल्यू उसमें ज्यादा हो रही है तो प्रेशर कम हो रहा है, तो अगर प्रेशर कितना हो जाता है, वॉल्यूम डबल हो जाता है तो प्रेशर हाफ हो जाता है, सिंपल, क्योंकि जब वॉल्यूम डबल है तो प्रेशर हाफ है, बॉयल्स लो तो टेम्परेचर क्योंकि कांस्टेंट है। तो अगर सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है 1 atmosphere, तो नीचे कितना रहा होगा पानी की वजह से, 2, क्योंकि पानी और एटमॉस्फेयर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो अगर ऊपर 1 है तो नीचे डबल हो जाएगा 2, या अगर नीचे 2 है तो ऊपर आधा हो जाएगा हाफ, तो 2 atmosphere। अब 2 atmosphere क्यों हुआ, क्योंकि 2 atmosphere में एक तो एटमोस्फेरिक प्रेशर है 1 atmosphere और प्लस बाकी जो 1 atmosphere है वो प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम है, तो वाटर कॉलम एच हाइट का है जिसने प्रेशर को बढ़ाया है, तो पानी के कॉलम की वजह से इसका मतलब प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम ऑफ हाइट एच इज इक्वल टू 1 atmosphere, तो यानी कि पानी ने कितना प्रेशर लगाया, 1 atmosphere। लेकिन पानी का प्रेशर लिखते कैसे है, एच रो जी, एच इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, और 1 atmosphere क्वेश्चन में गिवन है या वैसे भी पता है 76 centimeter ऑफ मरकरी कॉलम का मतलब 76 इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, तो यानी कि पानी का प्रेशर हमें पता है एच रो जी और वो है 1 atmospheric प्रेशर के को, तो इक्वेट करो एच की वैल्यू सेंटीमीटर में आएगी, मीटर में कन्वर्ट करना, तो कैसे हाइट निकलेगी समझ में आ रहा है, यहाँ तक रूल क्लियर है। इसके बेस पे इस क्वेश्चन को देखो, अ बैलून पार्शली फिल्ड विद हीलियम हैज अ वॉल्यूम ऑफ 30 meter cube, तो ठीक है एक बैलून है और उसको हीलियम से हमने भर दिया और उसका वॉल्यूम हमें गिवन है, वेयर प्रेशर इज 76 centimeter ऑफ मरकरी एंड टेम्परेचर गिवन है, तो वॉल्यूम पता है, प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, पी वी टी तीनों पता है, वॉट विल बी द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम कितना बढ़ जाता है अगर बैलून राइज करता है टू अ हाइट जहां पर प्रेशर 7.6 हो जाता है, 76 से कितना हो जाता है 7.6 और टेम्परेचर कम हो जाता है -54, तो वॉल्यूम V1 पता है 30, P1 पता है 76 centimeter ऑफ मरकरी, T1 पता है, केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, नेक्स्ट प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, टेम्परेचर -54 को केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, तो यहाँ से अब पता है पी वी टी तीनों चेंज हो रही हैं, तो P1 V1 by T1 इज P2 V2 by T2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके नया वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड, तो जो नया वॉल्यूम है वो इसके इक्वल आएगा। कोई कह रहा था कि ये तो 76 सेंटीमीटर है तो आपने सीधा सेंटीमीटर में क्यों पुट कर दिया, आप मत पुट करो, आप सीधा लिख लो 76 सेंटीमीटर इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, यहाँ भी लिख लेना 7.6 इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या फायदा क्या उसका, तो वैसे ही सीधा आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे करना है इसे, कोई डाउट इसमें, इस क्वेश्चन को देखो प्लीज।
A narrow uniform glass tube contains air enclosed by 15 centimeter long thread of mercury. When tube is vertical with the tube open end uppermost के ऊपर है, the air column is 30 centimeter long. Tube को invert करने पे length becomes 45 centimeter. Find atmospheric pressure. मैं आपको समझाता हूँ easy words में. देखो, उसने कहा कि एक ना ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर हवा है, एयर है, एयर का प्रेशर है P1, बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है P, यहाँ पे मरकरी का एक कॉलम है, मरकरी का एक ड्रॉप है जो भी है, 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है. अगर आप सीधा करते हो ट्यूब को तो मरकरी का जो ड्रॉप है वो यहाँ पे आके रुक जाता है. क्यों रुकता है? क्योंकि नीचे जा नहीं सकता, एयर कंप्रेस हो रही है, प्रेशर लगा रही है, नीचे गिरने नहीं दे रही है एयर, है ना, एयर प्रेशर लगा, रुक गया. और अगर आप इसे उल्टा कर लेते हो तो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा देता है, इसको नीचे नहीं गिरने देता, हालांकि एयर प्रेशर लगा रही है कि नीचे जाए, पर एटमॉस्फेयर इतना सफिशिएंट है कि इसको रोक के रखते हैं. तो हर हालत में ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे गिवन है, चाहे सीधा करो चाहे उल्टा करो. बस एक चीज का फर्क है कि यहां पर पहले हवा कितने 30 सेंटीमीटर में एयर है, अब कितने सेंटीमीटर में एयर है, 45 सेंटीमीटर में एयर है, यानी कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, अंदर का प्रेशर भी चेंज हो रहा है. ठीक, तो आपको ये बताना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है. तो हम ये मान लेते हैं कि P इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऊपर नीचे जो लग रहा है, इन सेंटीमीटर्स लिख लो प्लीज, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना. ये P का मतलब कई लोग सोचते हैं 180 में, एटमॉस्फेरिक नहीं, मैंने अज्यूम किया है कि ये सेंटीमीटर में. आप कहोगे सेंटीमीटर कैसे? सेंटीमीटर ऐसे जैसे 7 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, तो 7 इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, मतलब सेंटीमीटर में मेंशन किया जा सकता है एटमॉस्फेयर को. वो मेरी मर्जी है, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना यहाँ हाइट वगैरह गिवन है 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, तो मैं वहां से सेंटीमीटर में करना चाहूंगा. तो करके दिखाता हूँ कैसे. देखो यहाँ पे ये एक रेस्ट पे, तो ऑब्वियसली ऊपर और नीचे का प्रेशर सेम होगा, तो ऊपर का प्रेशर कितना है? पी. ड्रॉप का नीचे का वेट भी चाहेगा वो नीचे गिरे, तो ड्रॉप भी नीचे प्रेशर लगा रहा है, और ड्रॉप कितना प्रेशर लगा रहा है 15 सेंटीमीटर के हिसाब से, तो 15, तो उधर से पी लग रहा है, इधर से 15 सेंटीमीटर का प्रेशर लग रहा है, मतलब उधर से पी सेंटीमीटर लग रहा है राधर, जो भी सेंटीमीटर में है, क्योंकि सेंटीमीटर में सेंटीमीटर ही ऐड होगा ना, सिंपल है. तो सेंटीमीटर में पी है और ये भी सेंटीमीटर में है, और नीचे से कितना प्रेशर लग रहा है, P1 सेंटीमीटर का ये रहा. तो ये P1 नीचे का एयर का प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस 15. मैं इसलिए कह रहा था कि ये सेंटीमीटर में बोला जाए क्योंकि कई लोग दूसरे बैच में कह रहे थे सर ये ऐड कैसे कर सकते हो, अगर आप इसे 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर लेते हो ATM और ये सेंटीमीटर है, तो ATM और सेंटीमीटर कब से ऐड होने लग गए. इसलिए मैंने कहा कि ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो P सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 15 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, P1 इज सम सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, जो भी है सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है. लेकिन दूसरे केस में क्या होता है, इस केस में जो ये वाला केस है, इसमें नीचे की तरफ प्रेशर कितना लग रहा है एयर का, ये रहा 45 सेंटीमीटर का, ये सॉरी रिपीट कर रहा हूं, इसमें ये ड्रॉप यहां पे रेस्ट पे है, इधर से प्रेशर कितना लग रहा है, पी, एयर का प्रेशर कितना हो गया P1 की बजाय अब नया हो गया P2, P2 कहां लग रहा है, नीचे, मरकरी का ड्रॉप भी कहां लगा रहा है, नीचे, तो अब P2 प्लस 15, P2 भी नीचे है, 15 भी नीचे है, और किसने बैलेंस किया, एटमॉस्फेयर ने P, तो P2 प्लस 15 इज इक्वल टू P या P2 इज इक्वल टू P माइनस 15, एक ही बात है. तो एयर का प्रेशर P1 आ गया, एयर का प्रेशर नया P2 आ गया. अब सबको पता है कि बॉयज ना तो लग ही सकता है एयर के ऊपर, तो एयर कॉलम की जो लेंथ चेंज होगी 15 से लेके 45, 15 से 45, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. तो P1 कितना है, P1 की वैल्यू कितनी है, P प्लस 15, और वॉल्यूम कितना है, एयर का वॉल्यूम कितना है, मान लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है, A इंटू 30, तो A इंटू 30, फिर नया प्रेशर कितना है P2, P माइनस 15, और वॉल्यूम कितना है A इंटू 45, तो A इंटू 45. तो यहां से सॉल्व करके P कैन बी कैलकुलेटेड, और P भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में, सब कुछ सेंटीमीटर चल रहा है, तो आंसर भी सेंटीमीटर में निकल के आएगा. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, इस क्वेश्चन को पढ़ो प्लीज.
अ वेसल जिसका वॉल्यूम हमें पता है, 80 कर लेना प्लीज, यहाँ 80, 8 की जगह 80. अ वेसल जिसका वॉल्यूम हमें पता है कंटेन्स एन आइडल गैस एट 300 केल्विन एंड प्रेशर भी पता है. तो वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, प्रेशर पता है. गैस इज अलाउड टू लीक, गैस लीक हो रही है जब तक प्रेशर कितना नहीं हो जाता, 200 से 125 हो जाता है. तो ऑब्वियसली प्रेशर गिर गया. क्यों? क्योंकि वॉल्यूम लीक हो गई तो गैस निकलती जाएगी तो प्रेशर तो कम ही हो जाएगा. कह रहे बताओ कितनी गैस लीक हो गई, मोल्स में बताओ कितनी गैस निकल गई. तो ऑब्वियसली गैस की इक्वेशन लगेगी, पी वी इक्वल टू एन आर टी, एन इज इक्वल टू पी वी बाई आर टी. कुछ नहीं चेंज हुआ, सिर्फ प्रेशर चेंज हुआ क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यूम वी है, आर और टी सेम है. तो एन वन एन टू माइनस एन वन, तो माइनस करेंगे तो प्रेशर पी वन पता है, पी टू पता है, वॉल्यूम पता है, आर पता है और टी पता है. तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा आंसर. ठीक है यहाँ तक? तो गैस लीक की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी समझ में आ रहा है? शीट नंबर 152, शीट नंबर 152 के अंदर मैक्सवेल की थ्योरी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की. ऑप्शनल है प्लीज, ये कोई स्कूल के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे ही पता होना चाहिए कि ये क्या है. कभी कई बार एमसीक्यू में आ जाए, कुछ आ जाए, मुझे पता नहीं, पर आपको मैं बता देता हूँ ये है क्या. तो मैक्सवेल ने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स निकाली थी अकॉर्डिंग टू हिज फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला हमने नहीं करना, मतलब ठीक है देख लिया, अच्छी बात है. तो उसने कहा था कि ये ग्राफ उसने बनाया और उसने ये कहा कि जब भी कोई गैस है, गैस की जो वेलोसिटीज हैं वो सेम नहीं होती, गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम नहीं होती, अलग अलग वेलोसिटीज एक्वायर करती हैं गैस के मॉलिक्यूल्स. तो गैस के मॉलिक्यूल क्योंकि अलग अलग वेलोसिटीज एक्वायर करते हैं, तो उसने ये कहा कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, एन के पैर में वी डालो, एन वी, ये वाला एन वी लिखो यहां, एन वी, एन के पैर में वी, सबस्क्रिप्ट वी, एन ऑफ वी लिख लिया. और एन ऑफ वी का मतलब लिख लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वेलोसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वेलोसिटी. एन ऑफ वी का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वेलोसिटी. ठीक, तो उसने ये बताया कि अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करूं विद चेंज इन वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी का चेंज लेता जा रहा है, तो ये वेलोसिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से वेरी करते हैं वेलोसिटी के चेंज से, सच दैट अगर आप इस पूरे ग्राफ का एरिया निकाल दें, पूरे का पूरा एरिया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वेलोसिटी को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सैंपल. तो सैंपल के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या देंगे, इसका एरिया क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देगा. या करके भी दिखाया, देखो एन वी का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं. खैर ये पता होना चाहिए रिजल्ट. इसमें ये बताया गया है कि ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास, ये देखो नंबर ऑफ एरिया ज्यादा है इस पोर्शन का, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इसमें ज्यादा होंगे. तो इतने पोर्शन का जो वेलोसिटी होती है वो मोस्ट प्रोबेबल होती है. कुछ वेलोसिटीज जो होती हैं वो एवरेज होती है और कुछ आरएमएस होती है. और साफ पता लग रहा है मोस्ट प्रोबेबल सबसे ज्यादा होती है, फिर एवरेज होती है, और फिर सबसे ज्यादा मोस्ट ज्यादा मीन स्पीड सबसे ज्यादा वी आरएमएस की होती है, फिर एवरेज की होती है, फिर सबसे कम मोस्ट प्रोबेबल होती है. लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोस्ट प्रोबेबल के ज्यादा होते हैं, एवरेज के कम होते हैं और आरएमएस के कम. इस तरीके से ये रिलेशन है. ठीक है यहाँ तक? तो ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए. और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें. हाँ ये करने की जरूरत है कि अगर टेम्परेचर एट अ गिवन टेम्परेचर है, अगर मैं टेम्परेचर पूरे मॉलिक्यूल्स का बढ़ा दूं तो सभी की वेलोसिटीज राइट शिफ्ट हो जाती हैं, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ने से वेलोसिटीज में इंक्रीज आ जाता है. तो ये ग्राफ थोड़ा सा शिफ्ट दिखाएगा आपको, ऐसे शिफ्ट दिखाएगा, लेकिन एरिया कवर्ड इसका और इसका सेम रहेगा, बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में तो कोई चेंज नहीं रहेगा. ये शो कर रहा है कि थोड़ा राइट होने का मतलब कि वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर. इसका जो इन्फ्रेंस, और ये मैंने बता दिया आपको कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एवरेज और आरएमएस वेलोसिटी में कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है. इसका जो कंक्लूजन, दो कंक्लूजन पढ़ेंगे हम जो ऑब्जेक्टिव में काम आ सकते हैं. इवेपोरेशन, अब होता क्या है कि
इसमें ये बताया गया है कि कुछ मॉलिक्यूल्स के पास हाई वेलोसिटीज होती हैं, कुछ के पास लो वेलोसिटीज होती हैं, ठीक है। कोई तेज भागते हैं, कोई स्लो भागते हैं, कोई बहुत ही स्लो भागते हैं। जो मॉलिक्यूल तेज भागते हैं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, उनकी कोलिजन होती है बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ। जब वो कोलिजन करते हैं तो वो बाकी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी और एनर्जीज को अटेन कर लेते हैं, बिकॉज जब इलास्टिक कोलिजन होती है वेलोसिटीज एक्सचेंज होती हैं और काइनेटिक एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाती है। तो फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल जब टक्कर मारते हैं तो दूसरों की एनर्जी को भी एक्वायर कर लेते हैं, वो इतनी एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बाकी मॉलिक्यूल्स की, उसको ओवरकम कर जाते हैं और भाग जाते हैं इवेपोरेशन। तो ऐसा नहीं है कि आपको पानी को बॉयल करना पड़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे तभी इवेपोरेट होगा। सर्दियों में कपड़े सूखते हैं, अब कंटेनर रख दो सर्दी में, सुबह जाके आप देखो कटोरी के अंदर वो कंटेनर में पानी, ठीक है कम इवेपोरेट होगा लेकिन इवेपोरेट हो जाता है दिन में। तो ऐसा क्यों हो रहा है जबकि सर्दी पड़ रही है? लेक फ्रीज हो जाती है सर्दियों में, चीजें बर्फ बन जाती हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो ठंडा पानी है, ठंडा पानी तो है ही, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, कुछ मॉलिक्यूल बाकियों की एनर्जी लेके भाग जाते हैं और बाकी मॉलिक्यूल की एनर्जी और नीचे हो जाती है। एनर्जी नीचे होती है उनका टेम्परेचर नीचे हो जाता है, बिकॉज लेसर इज दी काइनेटिक एनर्जी, लेसर इज दी टेम्परेचर, आइस बन जाते हैं। तो यही फिनोमेना है इवेपोरेशन का, और इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, जरूरी नहीं कि बॉइलिंग पॉइंट अटेन करेगी। ठीक, वो स्टीम होती है बॉइलिंग पॉइंट वाली, ये वेपर है, वेपर किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। तो नेक्स्ट है एस्केप गैस, एस्केप ऑफ गैसेस फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर से गैस नहीं भाग सकती, लेकिन बाकी प्लैनेट से गैस भाग जाती है, वहां टिकती नहीं है। तो वो क्यों? क्योंकि अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। भागने के लिए मॉलिक्यूल्स को कितनी स्पीड चाहिए? ग्रेटर देन 11.2 किलोमीटर पर। वो तो अक्वायर हो नहीं पाती, इसलिए मॉलिक्यूल जो है वो एस्केप कर नहीं पाते। ठीक है यहां तक? तो इस पूरे असाइनमेंट में बस इतना ही है करने वाला। शीट नंबर 153। देखो इसमें हमने जो अभी डिस्कशन की उसके बेस पे एवरेज स्पीड क्या होती है, सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड का सम अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको एवरेज स्पीड बोलते हैं, वी बार भी बोल देते हैं इसे। आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया था आपको, 8 kT/π (m). छोटा एम है तो बोल्ट्समैन कॉन्स्टेंट, बड़ा एम है तो गैस कॉन्स्टेंट। ऐसी आरएमएस स्पीड क्या होती है? आरएमएस का मतलब रूट मीन स्क्वायर। आप रूट लेंगे और सबका मीन लेंगे, एवरेज लेंगे, और किसका? स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज का। ये आरएमएस वेलोसिटीज है, और इसका वैसे फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 3 kT/m या 3 RT/m। करेक्शन है, बड़ा एम करो यहाँ, क्योंकि आर यूज हो गया तो फिर मॉलिक्यूलर मास यूज होगा, एम, बड़ा एम। ठीक है, के नीचे छोटा एम, आर के नीचे बड़ा एम। ऐसी मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल के अंदर 2 kT/m, RT/m। ये क्वेश्चन देखो,
रूट मीन स्क्वायर का बेसिक फंडा बता देता हूँ क्या है। एवरेज क्यों नहीं चलती और रूट मीन स्क्वायर क्यों चलती है। एवरेज वेलोसिटी जब हम निकालते हैं तो v1 प्लस v2 प्लस v3 vn अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। अगर हम सिर्फ v ऐड करते हैं, स्क्वायर नहीं करते, तो उसमें ये प्रॉब्लम है कि आधे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी पॉजिटिव है, आधे नेगेटिव है, बिकॉज डायरेक्शन की वजह से दिक्कत हो जाती है। तो हो सकता है नेट एवरेज जीरो ही आ जाए, आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव, चलो जी काम खत्म, तो सही रिजल्ट नहीं देगी। तो फिर किसी ने क्या रिजल्ट निकाला, वो कहते हैं पहले तो वेलोसिटी के आप स्क्वायर कर दो, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, पॉजिटिव तो बनाओ उसे स्क्वायर करके, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दो, तो एवरेज वेलोसिटी आ गई। तो किसी की ज्यादा है किसी की कम है, हर की बराबर कर दी, पर क्योंकि एवरेज स्क्वायर की निकली है, अब अंडर रूट लो, अब वो सही वेलोसिटी देगी आपको। ये एक्चुअल तरीका है एवरेज निकालने का इस केस में। अब डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं, माइनस का कोई चक्कर नहीं, एवरेज एकदम सही आएगी मैग्नीट्यूड में, ये चलती है, ठीक है ना। मतलब ये एक एवरेज वैल्यू के साथ काम हो रहा है। आप पर्टिकुलरली नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिन नहीं सकते, लाखों करोड़ों है यार, हर की वेलोसिटी डिफरेंट है। तो मेरे पास क्या तरीका है, हम तो यही करेंगे ना कि v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर अप टू एंड सो ऑन। और वैसे कायदे से बनती इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन से निकलेगी वैसे, पर हम वो मेथड यूज नहीं कर रहे, हम अपने डेरिवेशन के अंदर एवरेज एवरेज करते जा रहे हैं, बस एक ही वेलोसिटी मान के चल रहे हैं। लेकिन रियलिटी में इंटीग्रेशन बेस्ड ही रिजल्ट्स हैं, हम एसी में जैसे +2 में करते हैं, इंटीग्रेशन से करते हैं आरएमएस वेलोसिटीज, तो वो अलग तरीका है करने का। हाँ, वैसे आप जो सोच रहे हो, आप ये कह रहे हो कि हर की वेलोसिटी क्योंकि डिफरेंट है, है ना, तो फिर एक एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगी। अब बिल्कुल वैसे ही, जैसे मेरी एवरेज, मेरी वेलोसिटी 10 है, आपकी 20 है, आपकी 30 है, 40 है, कि आपकी -30 है, -40, -10 है, तो क्या करेंगे यार, हम तो बस सभी का मिला लेंगे, स्क्वायर करके उसका मीन लेके अंडर रूट निकाल लेंगे, तो इतनी एवरेज चलती है। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आते हैं, रिजल्ट सही आते हैं इससे। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, कह रहा है चार तो पार्टिकल है टोटल, इसका क्या फॉर्मूला लगाओगे, चार पार्टिकल है, चारों की वेलोसिटी उसने दे दी 2, 4, 6, 8, तो कह रहा है एवरेज वैल्यू निकाल दो, तो चारों का एवरेज लो डिवाइडेड बाय 4 आंसर। रूट मीन स्क्वायर निकाल लो, सबकी वेलोसिटी का स्क्वायर निकाल लो, बाय 4 करो, अंडर रूट लो आंसर, तो रूट मीन स्क्वायर भी आ गया और एवरेज भी आ गया, ठीक। उसी तरीके से नेक्स्ट है, इफ 3 गैस मॉलिक्यूल्स हैव वेलोसिटीज 0.5, 1 एंड 2, कैलकुलेट रेशियो ऑफ देयर रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड एवरेज स्पीड। अगेन आरएमएस स्पीड में क्या होगा, इन वेलोसिटीज का स्क्वायर बाय 3 का अंडर रूट। एवरेज में क्या होगा, इन्हें ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 3, और फिर अगर रेशियो निकालनी है दोनों को डिवाइड कर दो, रेशियो आ गई। जैसे नेक्स्ट है, कैलकुलेट आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट एसटीपी। अब एसटीपी यूज कर दिया और मॉलिक्यूलर वेट 32 है, एसटीपी पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर का 1.01 × 10^5, मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट कर लिया, और वी का मतलब है 22.4 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। तो आरएमएस का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, 3RT/m, आर अगर आर है तो कैपिटल है, मॉलिक्यूलर मास आएगा, मैंने आरटी की जगह 1 मोल की जगह पीवी कर लिया, तो पी पता है, वी पता है और एम पता है आंसर, तो ऐसे यूज करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट अ सर्टेन टेम्परेचर टी इज वी, तो आरएमएस स्पीड वी है जब टेम्परेचर टी है, अगर टेम्परेचर को डबल कर दें और ऑक्सीजन गैस को डिस एसोशिएट कर दें इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन, अब डिस एसोशिएट होने से क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास एम है तो एम बाई 2 हो जाएगा, 32 है तो 16 हो जाएगा, तो चेंज इन आरएमएस स्पीड निकालो। और आरएमएस स्पीड क्या होती है, अंडर रूट ऑफ 3RT/m, तो इसके अंदर आरएमएस स्पीड ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन एट टेम्परेचर 2T कह रहे हैं, टेम्परेचर को तो डबल कर दो, मास को क्या कर दो, एटॉमिक में हाफ हो जाएगा, तो वी आरएमएस वी डैश बन जाएगा, तो वी डैश और वी को डिवाइड करोगे या यहाँ से 2 × 2 अंडर रूट 2 बाहर आ गया, आरएमएस वी है तो 2 times आरएमएस हो जाएगी वी आंसर, मास आधा कर दिया और टेम्परेचर डबल कर दिया। नेक्स्ट है, एट वॉट टेम्परेचर इज दी आर एम एस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47°C। तो कह रहे हैं कि इसमें आर एम एस वेलोसिटी को इक्वल करना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक का टेम्परेचर टी और एक का 47 है, तो एच टू का आर एम एस को इक्वेट करना है किसके साथ, ओ टू मॉलिक्यूल की आर एम एस के साथ इक्वेट करना है, और इसके अंदर मास कितना है एच टू का 2, टेम्परेचर निकालना है टी, ऑक्सीजन का मास कितना है मॉलिक्यूलर 32 और टेम्परेचर 47 गिवन है, इक्वेट कर दिया आरएमएस आरएमएस,
सॉल्व करके टी कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। ठीक, तो आरएमएस को आरएमएस के साथ इक्वेट किया, फिर आंसर ए का टेम्परेचर गिवन है, एक का निकालना है। ठीक, नेक्स्ट
नहीं, तो कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डबल इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर रिमेनिंग द सेम। तो कह रहा है कि इस केस में क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है। तो मान लो टी वो टेम्परेचर है जब वेलोसिटी आरएमएस की वीटी हो जाती है, और डबल कब, जब उसका टेम्परेचर कितना था 27। तो आरएमएस स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर है, तो जब टेम्परेचर 27 है तो टेम्परेचर 27 केल्विन में, और जब टी डिग्री सेल्सियस है तो फिर वेलोसिटी वीटी हो जाएगी। पर वो कह रहा है वीटी जो है वो 2 टाइम वी एट 27 है, तो यानी कि इनकी रेशियो कितनी है 2, तो टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक, नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ CO2 गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड एट अ प्रेशर ऑफ 1×10^5 इज गिवन। तो आपको CO2 गिवन है, टेम्परेचर गिवन है 0 पे, डेंसिटी गिवन है और साथ में प्रेशर गिवन है। फाइंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 30। देखो आपको जब प्रेशर और डेंसिटी पता है कब, एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो आरएमएस का ये फॉर्मूला भी तो हमने किया था अंडर रूट ऑफ 3p बाय रो, पी पता है, रो पता है आंसर, तो वेलोसिटी 0 पे तो आई गई। पर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो वेलोसिटी एट 30, टेम्परेचर एट 30, वेलोसिटी एट 0, टेम्परेचर एट 0, तो ये रेशियो आपको पता है। तो यहां से वेलोसिटी 0 पे पता है आपको और वेलोसिटी 30 पे कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इस? ये सारे फॉर्मूलाज हमने किए हुए हैं आरएमएस के, ये मैंने आपको करवा दिया था कि मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल की क्या होती है 3/2 kT, पर मोल की क्या होती है 3/2 RT, पर ग्राम की क्या होती है, ये करने की जरूरत नहीं है, जब पर मोल आ गई तो पर ग्राम तो आप निकाल ही लोगे एम से डिवाइड करके, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आर्गन एट 127 डिग्री सेल्सियस, तो 1 मोल का यूज करना है रिजल्ट, टेम्परेचर गिवन है, तो आपको के पता है, एन पता है, वैसे तो ये लंबा कर दिया मैंने क्योंकि पर मोल के लिए 3/2 RT यूज कर लेना था, वो यूज करना है, तो आर की वैल्यू तो मैं याद ही होती है, टेम्परेचर हमें वैसे ही पता है, आंसर आ गया। मैंने अननेसेसरी पहले गैस कांस्टेंट को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की फॉर्म में और एवोगाड्रो नंबर की फॉर्म में किया, लंबा रिजल्ट आ गया, तो आप सीधा 3/R2 में आर को सीधा 8.31 पुट करोगे, सीधा आंसर आएगा। ठीक है ना, तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। ठीक, एट व्हाट टेम्परेचर विल द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बी सफिशिएंट सो एज टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ। तो कह रहा है कि टेम्परेचर बताओ कि एवरेज वेलोसिटी पर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मोल नहीं कहा, तो मॉलिक्यूल की 3/2 kT, तो एवरेज जो एनर्जी होती है 3/2 kT और मस्ट बी इक्वल टू एस्केप के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी है 1/2 mv² वेयर वी इज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है 11, तो यहां से टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड। वेसल ए कंटेन्स हाइड्रोजन एंड अनदर वेसल बी हूज वॉल्यूम इज ट्वाइस दैट ऑफ ए, तो बी के अंदर जो वॉल्यूम है वो ए से डबल है, कंटेन्स सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर दोनों का सेम है, कंपेयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल वर्ड के लिए 3/2 kT, अब बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट है हर गैस के लिए सेम है, 3/2 भी सेम है, टेम्परेचर भी कह रहे हैं सेम है, तो ए पार्ट में एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल सेम है, चेंज ही नहीं होगी।
ठीक है यहां तक। बी पार्ट है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल निकालो। अब रूट मीन जो स्क्वायर की जो वैल्यू है उसमें क्या यूज करेंगे, अंडर रूट ऑफ 3 RT बाय m। तो कैपिटल m क्योंकि सबका डिफरेंट है चाहे टेम्परेचर सेम है, तो रूट मीन स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास पता है 32, हाइड्रोजन का 2, आंसर रेशियो आ गई। थर्ड पार्ट है इसी में, यू हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द गैसेस इन ए एंड बी एंड मॉलिक्यूलर वेट आपको गिवन है। तो जब प्रेशर की कैलकुलेशन होगी इसके अंदर, जब प्रेशर की कैलकुलेशन है आप इसके अंदर प्लीज गिवन करो यहाँ पे ब्रैकेट में गिवन मासेस ऑफ गैसेस, मासेस ऑफ टू गैसेस आर सेम, गिवन करो गिवन मास ऑफ टू गैसेस आर सेम। सी पार्ट में गिवन मास ऑफ टू गैसेस आर सेम। देखो मास में कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए, एक होता है मॉलिक्यूल का मास छोटा m, मैंने ये नहीं कहा मॉलिक्यूल का मास सेम है दोनों का, एक होता है बड़ा m मॉलिक्यूलर मास, मैंने ये भी नहीं कहा मॉलिक्यूलर मास सेम है, एक होता है सिर्फ गैस का मास 10 ग्राम 15 ग्राम 20 ग्राम वो मास सेम है। 15 ग्राम अगर एक गैस की है 15 ग्राम दूसरी गैस की है, तो तीन तीन मास चलते हैं, पूरी गेम ही इसमें मास की है, मास ही तो ध्यान से देखने वाला है इसमें। तो कह रहे मास दोनों गैसेस का सेम अमाउंट कर लिया मैंने। अब प्रेशर के लिए तो मुझे एक ही फॉर्मूला आता है एवरेज प्रेशर का, 1/3 रो वी स्क्वायर, वेयर वी इज वी आर एम एस और एम का मतलब मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस। अब क्योंकि मास ऑफ गैस तो सेम है तो प्रेशर आर एम एस की स्पीड का स्क्वायर और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो प्रेशर हाइड्रोजन का, प्रेशर ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन के लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पर, वॉल्यूम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और वी आर एम एस हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के लिए क्या यूज करेंगे, वेलोसिटी हाइड्रोजन का स्क्वायर वॉल्यूम हाइड्रोजन, वही इसको एम को तो हटा ही दिया ना, मास सेम है। तो इसके अंदर वेलोसिटीज की रेशियो हमने निकाल ली है, ऊपर कितना रेशियो आया था 4:1, इसका स्क्वायर 16:1, और वॉल्यूम आपको ऑक्सीजन की डबल गिवन है, हाइड्रोजन से क्वेश्चन में गिवन है आंसर। ठीक है यहां तक, तो यहां से आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट
two perfect gases at absolute temperature T1 and T2 are mixed, there is no loss of energy. Mix kiya gases ko, koi energy ka loss nahi hai. Mixture ka temperature nikal do, aur masses of molecules are M1, M2, and number of molecules are N1, moles nahi hai, number of molecules N1, N2 hai. Ab, before mixing, jab aapne mix nahi kiya, to ek gas ki energy kitni hai? 3/2 kT, ek molecule ki, kitne molecules hai? N1. To ek gas ki energy aa gayi, aise dusre gas ki energy aa gayi, before mixing. Mix karne ke baad 3/2 kT, lekin number of molecules kitne hai? N1 plus N2. Inhe equate kar lete hai, equate karo, initial aur T ka matlab final temperature of the mixture, equate karke T aa jayega. वैसे ये बुक्स में शॉर्टकट लिखा हुआ है N1 T1 plus N2 T2 by T1 plus N1 plus N2 आंसर ठीक आ जाएगा. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ओ ये फिर से रिपीट हो गया गलती से, यह क्वेश्चन ये रिपीट है, क्रॉस कर दो ऐसे चाहे. 155 नंबर शीट जो है वो हमने नेक्स्ट टाइम करनी, आज नहीं करनी, नया टॉपिक है, तो आज जितना किया उसी पे करेंगे. 155 नहीं कर, 156 आज मिली होगी आपको, ये आज मिली आपको, चेक करो. तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें वही मॉलिक्यूल लीक वाला है, मॉलिक्यूल कितने लीक हो गए, सेम है, किया हुआ है हमने, यहां से शुरू करेंगे. If masses of all molecules of gas are halved, किसका mass half किया? एक molecule का अगर mass छोटा m होता है, तो हमने छोटे m by 2 कर लेना है. Gas का mass नहीं, molecule का mass, ठीक? Half किया, their speed doubled. Speed को मैंने double कर दिया. Ratio of initial and final pressure निकालो. देखो formula तो average pressure का लगना है. Average pressure में v क्या होता है? RMS होती है. और डेंसिटी क्या होती है? टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम. मैं फिर कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं. वो कह रहा था कि आपने पूरी डेरिवेशन में कैपिटल एम यूज किया, मॉलिक्यूलर मास नहीं, वो इसलिए यूज किया था क्योंकि गैस 1 मोल गिवन होती थी. अगर 1 मोल नहीं गिवन, इसमें कौन सा गिवन है? तो ये गैस का मास है. तो मैं नॉर्मली क्या करता हूं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, रूल नहीं है, जब गैस का मास होता है तो मैं मास लिख लेता हूं. अगर मॉलिक्यूलर मास है तो कैपिटल एम लिख लेता हूं, अगर मॉलिक्यूल का मास है तो छोटा एम लिख लेता हूं. अगर 1 मोल गैस है तो फिर गैस का मास और मॉलिक्यूलर मास सेम कर लेता हूं. रूल समझ में आ गया? तो यहां पर डेंसिटी का मतलब टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम. तो एक काम करते हैं, मास ऑफ मॉलिक्यूल m है और n का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. हमने किया था ये रिजल्ट. तो उसने क्या कहा कि मॉलिक्यूल का मास सेकंड केस में आधा कर देना है और RMS को डबल कर देना है वेलोसिटी को. क्वेश्चन नंबर 2 और 1 को डिवाइड करेंगे, p डैश और p की रेशियो आ जाएगी आंसर. ठीक है यहां तक? नेक्स्ट, नेक्स्ट में ये गिवन है, RMS वेलोसिटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सैंपल ऑफ हीलियम. तो हीलियम के अंदर जो RMS वेलोसिटी है इज 5/7 दैट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन. तो हीलियम के अंदर जो RMS है 5/7 टाइम्स हाइड्रोजन. तो आपको हाइड्रोजन का टेम्परेचर 0 गिवन है, आपको हीलियम का टेम्परेचर निकालना है. तो हीलियम के लिए मॉलिक्यूलर मास 4 है और हाइड्रोजन के लिए 2 है. स्क्वेयरिंग करके टी कैन बी कैलकुलेटेड. ठीक, इक्वल मासेस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस आर फिल्ड इन अ वेसल्स ए एंड बी. ठीक है, तो दो इक्वल मासेस को फिल कर लिया. वॉल्यूम ऑफ बी इज डबल दैट ऑफ ए, तो बी का वॉल्यूम ए से डबल है. फाइंड प्रेशर रेशियो इन वेसल ए एंड बी. तो एवरेज प्रेशर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो बात पक्की है.
और डेंसिटी को मास बाय वॉल्यूम करेंगे। आरएमएस का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 3 RT बाय बड़ा एम, तो स्क्वायर कटेगा तो ये रिलेशन आएगा। अब वो कह रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही है। इक्वल मासेस है, देखो मास तो गैस का इक्वल है, तो ये तो उड़ गया मास, इसको तो देखना नहीं है। वॉल्यूम ऑफ बी इज डबल दैट ऑफ ए, तो बी वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और क्या चीज़ चेंज हो रही है साथ में, मॉलिकुलर मास तो चेंज होना ही होना है। तो इस पूरे रिजल्ट में टेम्परेचर चेंज नहीं होना, आर चेंज नहीं होना, थ्री चेंज नहीं होना, एक कैपिटल एम और एक वॉल्यूम। तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इनटू मॉलिकुलर मास। तो एक बार ए के लिए, एक बार बी के लिए, ये रहा। इसमें ए गैस मान लेते हैं नाइट्रोजन, और बी कौन है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन वाले टर्म्स ऊपर, नाइट्रोजन नीचे। मॉलिकुलर मास ऑक्सीजन का 32 है, 32 नाइट्रोजन का 28 है, और वॉल्यूम की जो रेशियो गिवन है वो डबल गिवन है, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से डबल। आंसर प्रेशर की रेशियो आ गई। तो कैसे मासेस के साथ इन्वॉल्वमेंट है समझ में आ रहा है। तो डेंसिटी याद रखना, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, वो गैस का मास होता है, मॉलिक्यूलर मास नहीं होता। ठीक। अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 4 लीटर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 22 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये रहा तीन, एट 27 डिग्री सेल्सियस। फाइंड प्रेशर एग्जर्टेड बाय द मिक्सचर, मिक्सचर का प्रेशर निकालो। तो एक काम करते हैं, पहले फर्स्ट गैस लेते हैं, P1V इज NRT, यहाँ से पहली गैस का प्रेशर, सेकेंड और थर्ड का, फिर टोटल प्रेशर निकाल देते हैं, आंसर आ जाएगा। अब लेकिन आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे, तो निकाल लेना 8 ग्राम ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर मास पता है, नंबर ऑफ मोल्स N1 N2 N3 कैन बी कैलकुलेटेड, तो R पता है, T पता है, और वॉल्यूम पता है, आंसर आ जाएगा। ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल के प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड। ये क्वेश्चन अभी नहीं करना, CPCV नेक्स्ट लेक्चर का काम है, तब करेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसके अंदर दो चैम्बर्स हैं, और जिसमें मासेज M1 M2 ग्राम ऑफ गैस है, ये मॉलिक्यूलर मास नहीं है, टोटल मास गैस का M1 M2 है। प्रेशर P1 P2 है, आर पुट इन कॉम्युनिकेशन, दोनों को कॉम्युनिकेशन में डाल दिया, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, फाइंड कॉमन प्रेशर रीच्ड, कॉमन प्रेशर की वैल्यू बतानी है। मेथड 2 देखेंगे, 1 नहीं देखेंगे यार, 2 आसान मेथड है, गैस की इक्वेशन से सॉल्व हो जाना है। इसके अंदर पहली गैस के लिए P1V1 इज इक्वल टू N1 RT, सेकेंड के लिए P2V2 N2 RT, मिक्सचर के लिए P मिक्सचर वॉल्यूम V1 + V2 N1 + N2 × R × कॉमन टेम्परेचर T। तो यहाँ से P मिक्सचर निकालना है, वॉल्यूम V1 यहाँ से निकाल लेना, N1 RT / P1 N2 RT / P2, नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल ही लोगे, गैस का मास M1 है अपॉन मॉलिक्यूलर मास M2 / M, सॉल्व करो यहाँ से, आंसर आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक, तो गैस की इक्वेशन से कैन बी कैलकुलेटेड, यहाँ तक कोई डाउट, तो एक आइडिया क्लियर है कि कैसे इन न्यूमेरिकल्स को करना है। अब आपने काम करना है, ये तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। चलो अब आपको एक ऑब्जेक्टिव शीट मिली है, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 50 51 आपका होमवर्क है, पर अभी क्योंकि टाइम है हमारे पास, हम ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 50 ट्राई करते हैं थोड़ी देर। आप प्लीज स्टार्ट करो। शीट नंबर, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 50, एक बार प्लीज ट्राई करो। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है।
फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? देखो जो ट्रांसलेशन एनर्जी है वो गिवन है, आर में स्पीड गिवन है 300 केल्विन पे, 600 केल्विन पे जब टेम्परेचर डबल हो जाएगा तो एनर्जी का क्या होगा और आरएमएस का क्या होगा? तो एनर्जी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो अगर आपने टेम्परेचर को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल की डबल हो जाएगी, तो ये तो क्लियर है, डबल हो गई एक आंसर। लेकिन जो आरएमएस स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर है, तो अगर 300 केल्विन तो वेलोसिटी 484 है, और अगर 600 केल्विन तो वेलोसिटी भी RMS है, तो इन्हें डिवाइड करके VRMS कैन बी कैलकुलेट। ठीक है यहां तक? ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, इफ पी इज द प्रेशर ऑफ द गैस, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगा? तो आज हमने किया भी ऐसा कि प्रेशर का तो एक ही फॉर्मूला में आता है, और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवाया था आज। हाफ रो वी स्क्वायर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 3 और 2 इधर 3/2p। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ मासेस ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर हाफ्ड, स्पीड डबल किया, आज आपने ये क्वेश्चन सेम है, मास को प्रेशर की रेशियो निकाल लो, सेम क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 ये नहीं होगा, अभी छोड़ देना है, गामा की फॉर्म में अभी हमने किया नहीं है कुछ। क्वेश्चन नंबर 5 सही है, ऑन एनी प्लैनेट द प्रेजेंस ऑफ एटमोस्फेयर इम्प्लाइज, ये ऑप्शन है कि जो एस्केप वेलोसिटी है बड़ी है आरएमएस से। क्वेश्चन नंबर 6 में करेक्शन करना, पर ग्राम की जगह पर मॉलिक्यूल करो, पर ग्राम की जगह पर मॉलिक्यूल। तो क्वेश्चन है, एट द सेम टेम्परेचर द रेशियो ऑफ एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ O2 एंड H2 इज, भाई जब टेम्परेचर सेम है तो हर मॉलिक्यूल की एनर्जी डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर सेम है तो मॉलिक्यूल की एनर्जी भी सेम है। जब टेम्परेचर फर्स्ट क्वेश्चन किया ना, टेम्परेचर डबल हुआ तो मॉलिक्यूल की एनर्जी भी डबल हो गई थी। ठीक, 7th क्वेश्चन हमने कर लिया, 5/7 टाइम वाला जो सेम क्वेश्चन है, और 8th क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन विल हैव सेम आरएमएस वेलोसिटी एट मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एट 127। ऐसा क्वेश्चन में किया था कि ये नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन, टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर 400, इक्वेट करके आंसर। ठीक,